एवरीवन, वेलकम बैक टू होम किड्स एंड मोर। मेरा नाम है निशा और मैं अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ से प्यारे प्यारे व्लॉग्स और कुछ रेसिपीज़ आपके लिए शेयर करती रहती हूँ। तो आज है संडे इवनिंग, ऑलमोस्ट नाइट टाइम है और बच्चों को सुला के मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है अगले दिन के लिए। तो यहाँ पे कुछ ड्राई नट्स मैंने ले लिए जिनको रोस्ट कर लिया है और इन्हें फ्रीज़र में थोड़ी देर रख पीस के रख दूंगी सो दैट मुझे नेक्स्ट डे ज़्यादा काम ना रहे। तो इस तरीके से मैंने इन्हें पीस लिया है और इसके साथ ही मैंने थोड़े से कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो है बुरादा, नारियल का बुरादा, मैंने 2 मिनट के लिए भून के साइड रख लिया है और इसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो कल हम इसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू के प्रिपरेशन करने के बाद मैंने थोड़े से फ्रेश वेजिटेबल्स आए हुए थे तो मैंने सोचा मिक्स वेज की अचार बनाते हैं। तो यहाँ पे जिंजर जूलियंस लिए हैं, 2 नींबू लिए हैं जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, 8-10 मिर्ची और ये 3 कैरेट्स हैं और एक इतना बड़ा साइज़ का मूली था जो कि काफ़ी मोटा था, उसे भी मैंने इक्वल साइज़ में काट लिया है जैसे कैरेट को रखा है। अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर से ढक दूँगी और ओवरनाइट अपने टेबल पर छोड़ दूँगी ताकि ये इसका मॉइस्चर जो है सब एब्जॉर्ब हो जाए। और अगली सुबह ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, काफ़ी सूखे सूखे से लग रहे हैं क्योंकि कमरे का एटमॉस्फेयर काफ़ी ड्राई है हीटर चलने की वजह से। तो मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था, आपके यहाँ धूप आती हो तो 1 घंटा दिखा दी, मॉइस्चर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करके मैं इसे रख दूँगी उसके बाद सारा काम, ताकि ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैं फ्री हूँ तब तक ये काफ़ी पानी रिलीज़ कर चुका हो और हम फिर झटपट अचार बनाएंगे। फ़िलहाल तो मॉर्निंग प्रिपरेशन चल रही है, अभी मैं तड़का लगा रही हूँ लौकी की। तो लास्ट नाइट ही मैंने लौकी चॉप करके रख ली थी और पैन में मैंने तेल ऐड करके जीरा, हींग और लहसुन भून लिया है। इसके बाद ऐड कर दिया है इसमें हरी मिर्च, उसे भी थोड़ा सा भून लिया है। हम लोग प्याज नहीं ऐड करते हैं लौकी में तो मैंने नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और बस इसको भी हल्का भून के हल्दी और नमक ऐड करना है एंड थोड़े से पॉप ऑफ कलर के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़े थोड़े मसाले ऐड करी हूँ मैं, जैसे गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। स्लो फ्लेम पर वो पकता रहेगा और मीनवाइल मैं देवांश की लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चीज़ पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे श्रेडेड चीज़, अनियन, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था और इसे इस तरीके से स्टफ़ करके रोल कर लूँगी और अच्छे से सेक लूँगी। तो देवांश को स्टफ्ड पराठास और सब्जी विद रोटी रोल इस तरीके की आदत पड़ चुकी है और ऐसी चीज़ें वो खा भी लेता है। हालांकि 2 मैं करके देती हूँ एक ही पराठे का कट करके और आधा वापस घर आता है तो आधा वो फेंकना ही पड़ता है। तो आजकल मैंने छोटा रखना शुरू कर दिया है उसकी क्वांटिटी, क्योंकि एनीवे एक ही खाता है वो और कहता है मम्मा बात करने में समय बीत गया तो मैं नहीं खा पाया। एनीवेज यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, बस 4 से 5 मिनट इसको थोड़ा और पकाना है ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। और ये है देवांश का लंच, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पे मैंने गमीज़ दिए हैं, केचप दिया है थोड़ा सा डिप करने के लिए एंड थोड़े से एप्पल्स। और मीनवाइल हस्बैंड का भी लंच पैक्ड है ऑलरेडी, उनको मैंने एप्पल दिए हैं साथ में, बाकी और कुछ लेके जाना वो पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देवांश का पानी ना थोड़ा सा मैं मिक्स करके दे रही हूँ, वेदर काफ़ी कोल्ड है, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं इवन इन दिस माइनस टेम्परेचर, तो थोड़ा सा वार्म वाटर ही देती हूँ देवांश को मैं, हालांकि पानी 5 से 6 घूंट शायद पीता होगा वो। और ये है हमारे छोटे महाशय का ब्रेकफास्ट, ऑन डिमांड मिल्क सीरियल विद बनाना। और ये वाले सीरियल आज मैंने सिनेमन क्रंच टोस्ट वाले दिए हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड हियर वी आर सेइंग बाय टू देवांश एंड पापा।
और अब सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ और अचार बनाने की प्रोसेस को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अचार का जो भी वेजीज हमने सॉल्ट लगा के रखा था, काफ़ी पानी रिलीज़ किया है उसने। ये पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे, और जो हमारा अचार का मिक्सचर है उसे साइड रख लेंगे। अब मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून के लगभग सरसों पीस लूँगी दरदरा, और मैंने जो सरसों लिया है वो बहुत मोटे वाले हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि मोटे वाले लें, क्योंकि उनके जो लेयर्स होते हैं वो अच्छे से निकल के आते हैं और वो देखने में अच्छे लगते हैं फिर अचार में। अगर छोटे वाले लेंगे तो बहुत महीन पीस जाएंगे वो। तो यहाँ पे 2.5 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है सरसों का दाना, और ये है अचार का मसाला जो कि मैंने घर में बना के रखा है। इसमें 5 फोरन का मसाला है और थोड़े से धनिया है। और अब गई है मिर्ची पाउडर, यहाँ पे 1 चम्मच ऐड किया है, हालांकि बहुत कम था तो मैंने बाद में 1.5 चम्मच और ऐड किया, तब जाके तीखापन पता चला। एंड मैंने इसमें ऐड कर दिया है हींग और स्वाद अनुसार नमक, और इसी के साथ मैंने 1.5 चम्मच के लगभग जो है अमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो विनेगर की क्वांटिटी बढ़ा के ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू निचोड़ कर ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक अच्छा मिक्स दे दिया है मैंने, और इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया जो कि क्लिप में ऐड नहीं हो पाया। तो ये है सरसों का तेल जो मैंने यूज़ किया है। कई लोग इसे पका कर ऐड करते हैं, बट मैंने इसे कच्चा ही ऐड किया है ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है आए। ओवर द टाइम इसकी स्मेल अपने आप ख़त्म हो जाती है, सो नीड नॉट वरी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सरसों का तेल ही यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के लगभग विनेगर ऐड कर दिया, इन सबको अच्छा मिक्स दिया और साइड रख दिया। और कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैं इसे जार में ट्रांसफ़र करूँगी। और अब बारी आती है लड्डू बनाने की। तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था, ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके उन्हें मैंने पीस लिया था, एंड देन अब बारी है इन्हें बाइंडिंग देने की। तो बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ को पिघला लेंगे हम पानी डाल के, और एक्स्ट्रा में मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ताशियोज एंड क्रैनबेरीज लिए हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा देर पकाएंगे हम चलाते हुए, और कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे इस तरीके से पानी में ऐड करते करते देखते रहेंगे। तो फाइनली 2-3 बार चेक करने के बाद मेरी कंसिस्टेंसी जो है तैयार हो गई है, और ये इस तरीके से गोला बनने लगा है इसका प्रॉपर। दैट मीन्स ये अब बाइंड होने के लिए तैयार है। और अब एक एक करके हमने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और एक अच्छा मिक्स दे दिया है। इसी समय मैंने इसमें अपने क्रैनबेरी पिस्ताशियोज भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरा प्लान था इसको प्रेस करके इसका बार बनाने का, बट मुझे लगा इसका टेक्सचर काफ़ी क्रम्बली रहेगा, कट करने में दिक्कत होगी, तो मैंने इसके लड्डू बना लिए और बहुत परफेक्ट लड्डू बने थे। तो बिना आटे के बिना घी के लड्डू बनके तैयार हैं। सो डू ट्राई दिस रेसिपी दिस विंटर। अच्छा बना है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। क्रैनबेरी का सारनेस, जैगरी का स्वीटनेस और नट्स के जो नटीनेस हैं बहुत अच्छे से एनहांस होके आ रहे हैं सारे फ्लेवर्स। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं तो बहुत आसानी से टूट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टेक्सचर बना है, आप ट्राई करिएगा। और फाइनली लड्डू जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इस तरीके के डब्बे में आप स्टोर करके चाहे जितने दिन रखिए, बच्चे भी खाएं आप भी। अचार मैंने बनाया है, अचार के लिए ये अभी थोड़ी देर इसके मसाले सोक हो रहे हैं इसके अंदर, और उसके बाद मेरे पास ये 2 जार हैं, बड़ा वाला जार मैं ऐसे ही स्टोर करके रख दूंगी और छोटे वाले जार में डेली यूज के लिए मैं निकाल के रखने वाली हूँ। तो इंस्टेंट भी खा सकते हैं आप इसको, बट मैं इसे सोच रही हूँ 2-3 दिन थोड़ा मैच्योर होने दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट और एनहांस हो जाएगा इसका, डेवलप हो जाएगा, बाकी मसाले भी अच्छे से घुल जाएंगे उसमें। तो ये था आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दोनों में से एक भी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, और प्लीज डू सजेस्ट एनी थिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन माई ब्लॉग्स। I'll try my best to
कम अप विद गुड क्वालिटी ऑफ वीडियोज फॉर यू. दिस वॉज इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बाय बाय. यू वॉन्ट टू से बाय? थैंक्स फॉर वॉचिंग. लड्डू खाया? लड्डू अच्छा था? यम्मी यम्मी है? वहां देख के बोलो यम्मी है. यम्मी है. बाय. बाय.